हाय गाइस, नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक होममेड हाई प्रोटीन पाउडर की रेसिपी। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं, बालों की ग्रोथ नहीं हो रही है, आईसाइट आपकी वीक हो रही है, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम है, स्किन पर ड्राई पैचेस रहते हैं, स्किन डल रहती है, आपके नेल्स नहीं बढ़ते हैं, और अगर बढ़ते हैं तो बीच में ही टूट जाते हैं, तो ये पाउडर आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारी बॉडी में मोस्टली प्रोटीन की डेफिशिएंसी की वजह से होती हैं। और ये प्रोटीन पाउडर जो मैंने बनाया है, ये 100% नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना हुआ है। मार्केट में जितने भी प्रोटीन पाउडर्स हम खरीदते हैं, उनमें डेफिनेटली केमिकल्स, प्रिजर्वेटिव्स तो होते ही होते हैं। इसमें कोई प्रिजर्वेटिव हम ऐड नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी हम इसको 2 से 3 महीने आराम से एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करके रख सकते हैं। इसे बच्चों से लेके बड़े किसी भी एज ग्रुप के लोग पी सकते हैं, ले सकते हैं, खा सकते हैं। इसे किस तरह से खाना है, किस चीज़ के साथ आप इसे ले सकते हैं और किस टाइम ले सकते हैं, ये सब मैंने वीडियो में आप बताया है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और काफ़ी कम इंग्रेडिएंट्स के साथ मैंने इसे बनाया है। क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं और उन इंग्रेडिएंट्स के हमारे हेल्थ के लिए क्या क्या बेनिफिट्स हैं, ये सब चीज़ें मैं आपको पाउडर बनाते हुए बताते हुए चलूँगी। तो चलिए फटाफट से इस पाउडर को बनाना स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसको बनाने के लिए मैंने जितनी भी चीज़ें ली हैं, जितने भी इंग्रेडिएंट्स लिए हैं, वो सब इक्वल क्वांटिटी में लिए हैं। मैंने एक कटोरी का नाप रखा है और उस कटोरी के अकॉर्डिंगली मैंने सारी चीज़ें एक एक कटोरी ही ली हैं। आप वेट वाइज भी ले सकते हैं, 200 ग्राम्स, 250 ग्राम्स या 100 ग्राम्स, लेकिन सबको इक्वल क्वांटिटी में। तो यहाँ सबसे पहले मैं ले रही हूँ एक कटोरी आमंड्स एंड एक कटोरी बादाम, और मैं इन्हें रोस्ट कर रही हूँ, क्योंकि हमें इनको ग्राइंड करना है, इनका पाउडर बनाना है। तो हम रोस्ट करेंगे तो वो पाउडर ज़्यादा अच्छे से बारीक बनेगा, और हमारा जो प्रोटीन पाउडर है, अल्टीमेट जो हमारा प्रोडक्ट है, वो ज़्यादा दिन तक स्टे कर पाएगा, मतलब उसकी शेल्फ लाइफ ज़्यादा होगी। बादाम में प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है, इट इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, और इसमें मैंगनीज एंड पोटेशियम होता है, जो बोन्स को स्ट्रॉन्ग करने और ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में बहुत हेल्पफुल होता है। आमंड्स ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम वाले लोगों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। इसमें विटामिन ई बहुत ज़्यादा होता है, जो हमारी मेमोरी इम्प्रूवमेंट के लिए बहुत हेल्पफुल होता है, स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। बादाम को ब्रेन फूड कहते हैं। रात को अगर हम रोज़ाना 5 बादाम भिगोकर रखते हैं और सुबह उनका छिलका उतार कर खाते हैं और अपने बच्चों को भी खिलाते हैं, तो उससे दिमाग तेज़ होता है, ये याददाश्त अच्छी करता है। आपको पता है कि 100 ग्राम यानी 100 ग्राम आमंड्स में 21 to 22 ग्राम्स प्रोटीन होता है। दूसरा, यहाँ इक्वल क्वांटिटी में मैं ले रही हूँ रोस्टेड चिक पीज, यानी कि भुने हुए चने, छिलका उतार कर। ये भी बहुत अच्छी सोर्स हैं विटामिन्स की, मिनरल्स की, फाइबर्स की, और ये हमारे डाइजेशन को बहुत इम्प्रूव करते हैं। फुल ऑफ फाइबर्स होते हैं और इनमें आयरन बहुत ज़्यादा होता है। इनका फैटी एसिड, मिनरल्स, फोलेट वेट मैनेजमेंट में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। ये भी काफ़ी हाई प्रोटीन होते हैं, 100 ग्राम्स में ऑलमोस्ट 19 to 20 ग्राम्स प्रोटीन होता है रोस्टेड चना में। तो इनको भी हमें बहुत अच्छी तरह से क्रिस्पी कर लेना है, ब्राउन नहीं करना है, लेकिन क्रिस्पी कर लेना है। आमंड्स को भी हमने क्रिस्पी किया था, जिससे हमें उन्हें ग्राइंड करने में ईजी रहे। नेक्स्ट मैं यहाँ ले रही हूँ एक कटोरी सौंफ, और ये सौंफ जो है, ये बिल्कुल मोटी वाली सौंफ मैं ले रही हूँ, क्योंकि पतली वाली खाने वाली सौंफ हम जब भी लेते हैं, उसके ऊपर डेफिनेटली कलर किया होता है, कलर चढ़ा होता है, वो थोड़ी डार्क ग्रीन कलर की होती है, उसका कलर ओरिजिनल नहीं होता। और देखिए, ये बहुत रफ से ग्रीन कलर की होती है, ये नेचुरल ग्रीन कलर की। तो इसको भी हमें थोड़ा हल्का सा रोस्ट कर लेना है। सौंफ में भी बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं, डाइजेशन के लिए अच्छी होती है। अगर सौंफ रेगुलर खाई जाए तो ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में भी बहुत हेल्पफुल होती है। पीरियड्स का प्रॉब्लम जिनको होता है, जैसे पीरियड स्टार्ट होने से पहले ही एब्डोमेन में पेन होने लगता है, लेग्स में, स्टमक में पेन होने लगता है, तो सौंफ को उबाल कर उसका पानी पीने से बहुत फ़ायदा होता है। सौंफ के अंदर मिलने वाले एंटीऑक्सीडेंट्स और न्यूट्रिएंट्स हमारी आई हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। आपको पता है, सौंफ को हर्ब ऑफ साइट भी कहा जाता है, क्योंकि ये आँखों के लिए बहुत अच्छी होती है। तो इसको भी हमें
हल्का सा ब्राउन होने तक भून लेना है, डार्क ब्राउन नहीं करना है, लेकिन हल्का सा ब्राउन हो जाए, आपको इसका अरोमा आप स्मेल कर पाएँ, इतना हमें इसे भून लेना है। नेक्स्ट हमें सेम क्वांटिटी में यानी कि एक कटोरी लेने हैं चार मगज। चार मगज यानी कि ये चार तरह के सीड्स मार्केट में अवेलेबल होते हैं। आप चार मगज बोलेंगे तो आपको किसी भी आयुर्वेदिक शॉप से, आयुर्वेदिक मेडिसिन शॉप से या किसी भी जनरल स्टोर से आराम से मिल जाएंगे। इसमें पम्पकिन सीड्स होते हैं, मस्कमेलन सीड्स होते हैं, वाटरमेलन सीड्स होते हैं, क्यूकम्बर सीड्स होते हैं। और मगज इन्हें इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये इंटेलिजेंस इम्प्रूव करने के लिए होते हैं, यानी कि हमारे ब्रेन के लिए होते हैं। ये हेयर, स्किन और वेट मैनेजमेंट में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, फुल ऑफ प्रोटीन, विटामिन, फैटी एसिड्स, मिनरल्स और बहुत ही सारे बेनिफिट्स होते हैं इसमें। इवन ये हार्ट और डायबिटिक ट्रीटमेंट, किडनी स्टोन्स, इन सब में बहुत हेल्पफुल होते हैं। बालों और स्किन के लिए भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं ये, तो इनको भी हमें हल्का सा रोस्ट करके क्रिस्पी कर लेना है। देखिए यहाँ मैंने सारी चीज़ों को रोस्ट कर लिया है अच्छी तरह से, मिश्री को छोड़कर। और एक और चीज़ मैं इसमें डिस्प्ले करना भूल गई हूँ, जो कि मैं अभी आगे जाके आपको दिखाऊंगी। एक और इंग्रेडिएंट है, वो मेरे पास अवेलेबल था ऑलरेडी, मैंने रोस्ट करके रखा हुआ था, तो वो बस हम पाउडर बनाते हुए उसे मिक्स कर देंगे। बाकी सारी चीज़ों को मैंने वन बाय वन रोस्ट कर लिया है मिश्री को छोड़कर। अब हम मिक्सी जार में सारी चीज़ों को वन बाय वन डालकर उनका अच्छा सा पाउडर बना लेंगे। पहले मैं बादाम डाल रही हूँ, देखिए उनका पाउडर बन गया है अच्छा सा। सेकेंड नंबर पे मैं ले रही हूँ हमारे रोस्टेड चिक पीस, उनको भी मैंने अच्छे से पाउडर फॉर्म में बना लिया है। और तीसरा मैं ले रही हूँ हमारी भुनी हुई सौंफ, उसको भी पाउडर कर लिया है। सारी चीज़ों का पाउडर बनाकर हमें एक ही बोल में मिक्स करना है, सो सबको मैं एक ही बोल में डाल रही हूँ। और ये मैंने लिए हैं एक कटोरी सफ़ेद तिल यानी वाइट सेसमी सीड्स, जिनको मैं डिस्प्ले करना भूल गई थी, ये मेरे पास ऑलरेडी रोस्टेड रखे थे। तो यहाँ पर मैं इनको मिक्सी जार में डालकर इनको भी ग्राइंड करके इनका भी एक अच्छा सा पाउडर बनाकर इस सब की चीज़ों के साथ मिक्स कर रही हूँ। ये सफ़ेद तिल भी हमारी हेयर ग्रोथ के लिए बहुत अच्छे होते हैं, हेयर ग्रोथ को फास्ट करते हैं ये, एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ के कारण ये स्किन हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। ब्लड प्रेशर को स्टेबलाइज करने में काफ़ी हेल्पफुल होते हैं, कैल्शियम बहुत होता है इनमें, सो बोन हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं, हमारी डेंटल हेल्थ को भी इम्प्रूव करते हैं ये। और लास्ट जो हमने एक कटोरी मिश्री ली थी, उसको भी हमें पाउडर बना लेना है और इस सब पाउडर के साथ मिक्स कर लेना है। मिश्री भी ना सिर्फ मिठास देती है बल्कि हमारे मूड को भी अच्छा करती है, हमारी मेमोरी को इम्प्रूव करती है। अगर आपको याददाश्त का प्रॉब्लम है तो आप सिर्फ मिश्री रात को दूध के साथ लें रेगुलर सोते समय, ये मेमोरी को बहुत इम्प्रूव करती है। और अगर कभी आपको बहुत थकान है, कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, बहुत वीकनेस फील हो रही है, तो मिश्री खाएं थोड़ी सी। मिश्री इंस्टेंट एनर्जी देती है, गुड़ की तरह मिश्री भी इंस्टेंट एनर्जी देती है। तो बस इस सारे मिक्सचर को मैंने बहुत अच्छी तरह से पीसा, उसके बाद मैंने इसको छाना भी है और एक एयरटाइट कंटेनर में मैंने इसको स्टोर कर लिया है। आप भी इसे एयरटाइट कंटेनर में 2 मंथ्स के लिए आराम से स्टोर करके रख सकते हैं। आप इसे रात को सोते समय एक चम्मच लें एक ग्लास दूध के साथ, और अगर आप दूध पसंद नहीं करते तो आप इसे घी के साथ या शहद यानी हनी के साथ भी ले सकते हैं। इसके बेस्ट रिजल्ट्स अपने बालों पर, अपनी स्किन पर, अपनी ओवरऑल हेल्थ पर देखने के लिए कम से कम इसको 1 से 2 महीने तक ज़रूर लें। और इसे हर उम्र के लोग ले सकते हैं, आप इसे बच्चों को भी दे सकते हैं। बच्चों को बस 1 स्पून से आधा स्पून कर दीजिए और जितना वो दूध पीते हैं इसके साथ उनको दीजिए। सो गाइस, आई एम श्योर आपके पास मेरे लिए एक क्वेश्चन ज़रूर होगा कि क्या हम इसे दिन में ले सकते हैं। जी हाँ, आप इसे दिन में डेफिनेटली ले सकते हैं। मैंने रात में इसे लेने के लिए आपको इसलिए कहा कि आप रात को सोते समय इसे लेंगे तो आपकी बॉडी को ज़्यादा टाइम मिलेगा इसे एब्जॉर्ब करने में, इसके न्यूट्रिएंट्स को डाइजेस्ट करने के लिए। सो गाइज, ये था मेरा आज का वीडियो, आई होप ये आपको यूज़फुल लगा होगा। मैं आपसे मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में ऐसे ही किसी हेल्थ, ब्यूटी या फिटनेस से रिलेटेड टॉपिक को लेकर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।